हेलो गाइस, सो आप सबसे पहले कैसे हम बात करते कैसे टीम वन जो रूम है मी आई आपकी मी आई प्रो 12.0.3 उसको कैसे इंस्टॉल करना है पोको एफ एन में। सो उस पर आ जाते सबसे पहले आपको करना है वाइप में जाना है, डेलवी कैचे सिस्टम वेंडर डेटा, वेंडर आपकी चॉइस है, इसको हम हटा देते हैं। जो ऊपर की मैंने यहाँ पे चार सेलेक्ट करे है एक्सेप्ट आपको वेंडर, इसको हम कर देते हैं स्वाइप टू वाइप। और क्लीन फ्रेश आपकी चॉइस है, रिकमेंडेशन मैं तो हमेशा वही देता हूँ बट स्टिल विदाउट मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। बैक में बैक आने के बाद फॉर्मेट डेटा वही, अगेन अगर आपका फोन इनकेप्टेड है देन ओनली फॉर्मेट डेटा करना, नहीं तो रादर उसकी कोई अगर आपको नीड नहीं है। अगेन जो मैं रिपीट हमेशा हर इंस्टॉलेशन पार्ट में करता हूँ। सब कुछ करने के बाद आ जाते भाई हम बैक, और जो हमारी रूम कॉपी भाई आपकी डाउनलोड में एरिया टीम वन सी एम पी मीआई प्रो, जो आपका क्लीन मीआई प्रोजेक्ट है जो टीम वन वालों का आई मीन कहने का मीनिंग है। सो उसका अब हम कर देते हैं फ्लैश, सो कन्फर्म टू इंस्टॉल। यहाँ पे आपकी जो रोम है फ्लैश हो रही है, सो वेट एंड वॉच। सो गाइस रोम प्लस मैस्क दोनों एक साथ फ्लैश हो चुका, वो तो जिप में था आपका इनबिल्ट प्रीबिल्ट आई मीन मैस्क की अगर हम बात करें। अभी सब कुछ आपको डन हो गया, अभी कुछ आपने करना अगर आपको चेंज करना है कुछ भी आपने यहाँ पे फ्लैश नहीं करना है। सबसे पहले हम कर लेते हैं भाई रिबूट टू सिस्टम, सो रिबूट ये रहा भाई आपका सिस्टम। और इस वक्त रिकवरी यूज़ करना, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये भी आपको हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस अब हम मिलते हैं अबाउट फोन सेक्शन में, वहाँ पर आप स्टार्ट करें सीधा गाइस हम मिलूंगा अबाउट सेक्शन में। हेलो गाइस, सुमी नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन। आज शुरू आपने डेवलप गाइस टीम वन मीआई प्रो 12.0.3 ऑब्वियसली स्टेबल बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10 फॉर आर पोको फोन। ये लगा जो बिल्ड है आपका टीम वन का है सी एम पी, मतलब आपका क्लीन मीआई प्रोजेक्ट जो आपका टीम वन वालो का है और मीआई प्रो, और बेस हुई आपका 12.0.3 स्टेबल। ऑल स्पेसिफिकेशन में चले सबसे पहले अबाउट सेक्शन में, और नीचे एंड्रॉइड सिक्योरिटी में आपको मिलता है 2020-12, इस पर इतना मत जाना। जो कर्नल मैं यूज़ कर रहा हूँ भाई जिनॉस का लेटेस्ट वाला वर्जन आपका 17R17, बट इधर वो 16.1 शो हो रहा है, बट जो जिनॉस का ऐप है वहाँ पे जब आप जाओगे तो उधर वो आपका R17 ही शो होगा। 4.9 जॉब स्ट्रीम और का 0.268 नीचे आपका सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाती। जो आपका मीआई वर्जन है वह भाई आपका मीआई प्रो 12.0.3 जो आपका भाई आपका सेम स्टेबल एंड्रॉइड सिक्योरिटी सब कुछ यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। टीम वन वाला है भाई आपका ये टीम वन का मीआई प्रो 12.0.3 वो बताना बहुत कंपलसरी है बेस्ट एंटरटेनमेंट फॉर आर पोको एफ एन। अब गाइस हम स्टार्ट कर लेते हैं अब सॉरी स्टेट बार से नए वाला भी इसमें आपको सब देखो मीआई प्रो ऑब्वियसली लिटिल बिट आपको काइंड लिटिल बिट मोर आपको मतलब फीचर्स मिल जाते हैं, कुछ ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे बट हाँ थोड़े बहुत आपको फीचर्स आपको मिल जाते हैं इन आपका मीआई प्रो। तो इसमें आपका जो लेटेस्ट वाला कंट्रोल सेंटर है वो हाँ इसमें आपका मिलता है। और तो फ्लैश लाइट स्क्रीन शॉट ब्लूटूथ हो गया आपका बीटी हो गया लॉक स्क्रीन लोकेशन रोटेट स्कैनर रीडिंग मोड डार्क मोड डीएनडी, तो ऑब्वियसली सारी फुल चीज़ में आपकी वर्किंग है। बैटरी सेवर कास्ट हो गया, फ्लोटिंग विंडो हो गया, स्क्रीन रिकॉर्डर जो आपका मीम वाला है, और हॉटस्पॉट सिंक नियर बाय शेयर। नीचे एडिट में चल लेते हैं जो आपका गिवल्स है, नीचे आपको FPS मीटर सारी FKM की स्क्रिप्ट मिल जाती है, जो आपका जिनॉस का APK वो भी इसमें आपको मिल जाएगा, आपको जो आपका जिनॉस की प्रोफाइल आई मीन कहने का मीनिंग है। ये सब कुछ आपको हो गया। अब गाइस हम बात करते हैं जो हमारे आई मीन इसमें बेंचमार्क्स है उसके हम बात करते हैं आई मीन गिबन्स 5 विद आपका जिनॉस। सो सिंगल स्कोर गाइस में आपको देखने को मिल जाता है 523 अगर हम सिंगल स्कोर की बात करें, मल्टी स्कोर उसमें आपको देखने को मिल जाता है 2304। ये चलो आपके बेंचमार्क्स हो गए। और अगर सीपी थ्रॉटलिंग टेस्ट की बात करें जो मेन यहाँ पे आपका सीपी थ्रॉटल हुआ है वो है आपका 86% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस, मैक्स GIPS 1,91,000, और जो आपकी एवरेज है वो आपका 1,74,000, मिनिमम आपकी 1,56,000। बट मेन जो यहाँ पर आपका सीपी थ्रॉटल हुआ है वो हुआ है 86% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। ये भी चलो यहाँ पे आपका डन हो गया। और हम भाई 30 मार्क्स स्कोर की बात करें, ये भी इधर लिखा है बेंचमार्क वैसे आपके कम आएंगे, और सो वो आए भी अगर हम 30 मार्क की बात करें जो आपका वुल्कन का है वाइल्ड लाइफ का स्कोर क्लोज टू आपका 1500 का है, वैसे आपका 1437 है। ये भी हो गया। एंड्रॉइड स्कोर की बात करिए आपको मैं दिखा देता हूँ, सो जो आपका एंड्रॉइड स्कोर है वो भाई आपका क्लोज टू 4.1 लाख का एंड्रॉइड स्कोर है। और मैस की बात करें इधर हाँ डिफ़ॉल्ट मैस ट्रू नहीं है, मतलब जैसे आपने मैस फ्लैश करा और फिर मैस्क हाइड को इनेबल करा वैसे आपका CDS ट्रू हो जाएगा, नहीं है। आपको पहले तो सबसे पहले जो आपका फिंगरप्रिंट है उसको यहाँ पर आपको रिस्टोर करना पड़ेगा, उसका जो आपका पैच है यूनिवर्सल वाला पैच इसको फ्लैश करना पड़ेगा, लिंक आपको इसका मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। इसको फ्लैश करने के बाद फिर मैस्क हाइड को इनेबल करने के बाद जब जाके जो आपका सेफनेट है वो इधर आपका ट्रू जाएगा, जो आपकी बेसिक यूनिटी है और जो आपका सीडर फॉर है, जो आपका फिर EVL टाइप है वो आपका इधर आ जाएगा बेसिक पे। तो चलो यहाँ पर सब कुछ आपका हो गया डन। अगर हम बेंचमार्क्स की बात करें सो गाइस अब कुछ बात करें जो इसमें थोड़े इशू आया, बग्स तो नहीं बोलूँगा इशू काइंड कह सकता हूँ। पहला भाई इसमें आपको हीटिंग इशू तो प्रॉब्लम फेस होगी, ये 1 OS वाला सीन इधर नहीं है,
चाहे आप एन जी के यूज़ कर लो या इवन जिनॉज यूज़ कर लो, लिटिल बिट आपको हीटिंग इश्यूज में फेस होगा, कुछ ज़्यादा मेजर नहीं कह रहा है, बट हाँ हीटिंग इशू इसमें आपको स्टिल फेस तो होगा ही। अगर इसको एज ए कम्पेयर विद आप वन वर्स करते हो उसमें तो बहुत कम था, उसमें भी था बट कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब लिटिल बिट उसमें माइनर भी इतना नहीं था, बट हाँ इसमें आपको हीटिंग इशू तो यार आपको फेस होगा। और इसमें कोई आपका यू आई लग के अगर हम बात करें, नहीं ऐसा मुझे इसमें कोई फेस में, अगर मैं मीयर प्रो की बात करूँ उसमें जो मैं करेंटली यूज़ कर रहा हूँ, कोई ऐसा मुझे मेजर यू आई लग का फेस नहीं है। जानता हूँ भाई मी मैं, बट स्टिल हाँ कोई ऐसा यू आई लग मुझे इसमें फेस नहीं है। और कोई ऐसा मेजर बग्स वो भी इसमें मुझे आपको कोई भी ऐसे मेजर बग्स मुझे इसमें फेस नहीं है कि भाई ये चीज़ वर्किंग नहीं है, ये चीज़ ब्रोकन है, ऐसा कोई भी उसमें मुझे इसमें आई मीन फेस नहीं हुआ। बट स्टिल मैं आपको ही बोलूँगा जैसे वन वर्स में मैंने बोला था जो उसका डिफॉल्ट कर्नल था, आई मीन जो स्टॉक कर्नल था वो भाई बहुत बढ़िया था, वैसे चेंज करने की तब भी रिक्वायर नहीं थी, बट इसमें ऐसा सीन नहीं। अगेन वही बात है, देखो यार सब कुछ कर्नल पे डिपेंड नहीं होता है, लिटिल बिट चीज़ें आपकी रोम पे भी डिपेंड होती है, कौन सी आप रोम यूज़ कर रहे हो, ठीक है सब कुछ कर्नल पे डिपेंड होगा। आपको टच इशू फेस हो रहे हैं तो उसमें मिस्टेक कर्नल की, ऐसा कुछ नहीं, दोनों का भाई उसमें सीन रहता है, रोम का प्लस कर्नल का दोनों का। तो सब कुछ हर चीज़ हमेशा याद रखना, कर्नल पे कभी भी सब कुछ चीज़ डिपेंड नहीं होगी, आप को कम से कम 40-45% रोम पे भी वो चीज़ डिपेंड होती है। अगर आपको टच इशू आ रहा है, हीटिंग इशू आ रहा है, तो वो चीज़ रोम पे भी डिपेंड होगी कि भाई वो कैसे परफॉर्म कर रही है, वो सब कुछ मतलब उसके अराउंड सब कुछ यार डिपेंडेंसी तो उस पे भी होती है, कहने का मीनिंग है। बट स्टिल मैं यही बोलूँगा इसका स्टॉक करना जो उसका प्रफ वाला उसको तो भाई टोटली मत यूज़ करना। अगर आपको ये रोम यूज़ करनी है तो एज अगर आई मीन कस्टम करनी फ्लैश करना से सिल्वर कोर हो गया, करेंटली मैं इसमें जिनॉस कर रहा हूँ, एन जी के कर सकते हो बट अगेन लिटिल बिट माइंड उसमें आपको टच इशू तो फेस होंगे, जैसे मैंने वन वर्स की वीडियो में भी बोला था। तो ये चलो आपकी तीन चीज़ें होगी। अब गाइस हम चलते सेटिंग्स में, उससे पहले लॉन्चर की अगर हम बात करें आई मीन वॉलपेपर सेटिंग में चल लेते हैं, मोर में चल लेते हैं। यहाँ पे आपका डिफॉल्ट लॉन्चर हो गया, होम स्क्रीन ऐप ड्रॉअर हो गया क्लासिक, अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे नीचे कस्टमाइज़ करना है यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है होम स्क्रीन हो गया। और असिस्टेंट नेविगेशन की बात करें बटन्स गेशन मिल जाते हैं, हाइड फुल स्क्रीन इंडिकेटर हो गया, तो ये तो चलो आपको गेशन नेविगेशन की बात करें, ठीक है। और नीचे आपका आइकन साइज हो गया, ये तो सारी चीज़ इसमें आपको देखने मिल जाएगी। शो मेमोरी स्टेटस हो गया, ये ऊपर वाला, तो ओवरऑल ठीक है। मीम है सारी चीज़ तो आपको स्टॉक में मिल रही, जो अगर स्टॉक वाली मीम की बात करें। और नीचे शो सजेशन हो गया, तो सारी आपकी चीज़ें इधर आपको इसमें देखने मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी चलो आपका हो गया। अब नीचे आपका हम चल लेते भाई हम सेटिंग्स में, एक मिनट। सो मी अकाउंट हाँ भाई वर्किंग है, ठीक है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चल लेते हैं, यहाँ पे आपका एओडी वर्किंग, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाइल स्लीप रेस्ट हुए भी वर्किंग है, डबल टैप स्क्रीन एक्शन हो गया, स्मार्ट कवर मोड हो गया, लॉक स्क्रीन फॉर्मेट चेंज करना है इधर से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, लॉन्च कैमरा पॉकेट मोड, ये तो सारी चीज़ें ऑब्वियसली में आपको देखने को मिल जाती है। लाइट मोड, डार्क मोड, शेड्यूल डार्क मोड, ब्राइटनेस, एंटी फ्लिकर मोड हो गया, रिंग रीडिंग मोड, कलर स्कीम अपने हिसाब से अगेन कस्टमाइज करना कर सकते हो। हाँ सिस्टम एनिमेशन की बात करें, जैसे मैंने अल्फा यूज़ कर रखा है, अपने साथ जो भी अगर आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। और टेक्स्ट साइज फॉन्ट हो गया, यहाँ पे आपका ऑटोरेट हो गया, पीआईपी स्क्रीन पिक्चर इन मोड हो गया, आपको देखने को मिल जाता है। गेशर एनीवेयर की अगर हम बात करें इसको तो ऑफ ही रहने दो अभी आप। और नीचे भाई आपका लिस्ट साइज होगी। अब चल लेते गाइस हम साउंड एंड आई मीन वाइब्रेशन में, नीचे आ जाते हैं तो ये रहा भाई आपको हाँ न्यू वॉल्यूम बार मिल जाता है जो आपका मीम वाला है, ये रहा आपको मैं दिखा देता हूँ इसको समझ सकते हो, ये भी इधर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अगर हम न्यू वॉल्यूम बार की बात करें वो तो आपको फिर सेटिंग में जाके इसको इनेबल करना पड़ेगा। ये रहा भाई साउंड एंड वाइब्रेशन, नीचे न्यू वॉल्यूम बार, और अगर वॉल्यूम बार की जो पोजीशन है लेफ्ट राइट अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली जो भी आपको सेट करनी है इसमें आप सेट कर सकते हो। सो ये भी चलो यहाँ पे आपको अगर नीचे आपका वॉल्यूम बार वाला लेफ्ट राइट बैक आ जाते गाइस। बैक आने के बाद नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर, ठीक है ऐप्स नोटिफिकेशन में चल लेते, तो और नोटिफिकेशन शेड में जाए वो तो अगर आपको चेंज करना, अगर नोटिफिकेशन स्टाइल मीम वाला हो गया, एंड्रॉइड वाला हो गया, और ग्रुप नोटिफिकेशन इनेबल डिसेबल अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे कस्टमाइज करना कर सकते हो। और नोटिफिकेशन इफेक्ट हो गया यहाँ पे पल्स स्टार लाइट जो अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज़ करने से, हाँ जो आपका न्यू कंट्रोल सेंटर है मैं तो ओल्ड ही मुझे मैं ज़्यादा ठीक लगता है प्रेफर कर रहा हूँ, न्यू अगर आपको यूज़ करना है कर सकते हो। स्विच गेशर साइड डिसेबल कार्ड्स हो गया। और नीचे चल लेते भाई हम स्मार्ट होम में, इसको नहीं है आइटम्स स्टेयर बार में चल लेते, ये रहा आइकन्स शो कनेक्शन स्पीड आ गया, वो ऊपर आपका स्टेयर बार पे आएगा, ठीक है वो अभी करंटली मेरा न्यू इनेबल हो गया शायद। सो एडिट कैरियर हो गया, बैटरी इंडिकेटर, ठीक है जो आपका बैटरी आइकन है ओवल रखना है रेक्टेंगल रखना है जो भी अपने हिसाब से वो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज इसमें कर सकते हो, करेंटली मैं ओवल इसमें यूज़ कर रहा हूँ। और नीचे आपको नोटिफिकेशन शेड शॉर्टकट हो गया, हाइड नॉच हो गया, ठीक है तो ये भी चलो इसमें आपका फुली इसमें वर्किंग है। शो वेदर करेंटली मैंने डिसेबल ही कर रखा है बट हाँ वर्किंग है, जैसे इनेबल करोगे लोकेशन ऑन कर देना वो सिंक होके ऊपर यहाँ पे आपका शो होने लग जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका क्लॉक साइज हो गया, बैटरी परसेंटेज हो गया,
और बैटरी उससे पहले भाई हम आ जाते हैं होम स्क्रीन में, वही आपके लॉन्चर की सेटिंग्स इधर सारी देखने को इधर मिल जाती है मीस पे सारी। और वॉलपेपर में चल लेते हैं अपने हिसाब से, जो भी यहाँ पे आप कस्टमाइज़ करना है कर सकते हो, मतलब वॉलपेपर चेंज करना है। थीम्स भी वही है, क्लासिकल हो गया, मैं करंटली जो ये वाला यूज़ कर रहा हूँ भाई ठीक लगा है। अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे अपने थीम इनेबल करना है, अपनी सेट रखना है वो आप रख सकते हो। बैटरी सिक्योरिटी में चल लेते हैं, तो इधर यप आईआर फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट एज इट इज ऑब्वियसली फास्ट है, तो इधर कोई दिक्कत नहीं। आईआर की अगर हम बात करें, फिंगरप्रिंट की बात करें, भी फुली इसमें आपका वर्किंग देखने को मिल जाता है। और प्राइवेसी प्रोटेक्शन की बात करें, इसको डिसेबल रहने दो। बैटरी परफॉर्मेंस ओवरऑल मुझे ठीक लगी है, बट हाँ जैसे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ये वही पावर यूसेज हो गया, यूज़ एडेप्टिव बैटरी इधर आपको देखने मिल जाता है, सेंसेस का हो गया ठीक है, तो स्लीप मोड सारी इधर आपको इसमें चीज़ें देखने को मिल जाती है। और एप्स एडिशनल सेटिंग्स में चल लेते हैं, डेट लैंग्वेज 100 गेस्चर शॉर्टकट्स। और हाँ जो अगर हम नेविगेशन की बात करें भाई, मैंने डिसेबल कर रखी है गेस्चर नेविगेशन जो मैंने स्टार्टिंग वाला यूज़ कर रहा हूँ। स्क्रीन और स्पेशल फीचर्स में चले जाते हैं, गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस और आपका जो मीम लैब है, ये भी सारी इसमें फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। चलो तो पूरा डीप में जाना जरूरी था भाई, ठीक है, तो अच्छे सब कुछ मैंने यहाँ पे इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया हो। सो अब गाइस बात करते हैं परफॉर्मेंस और बैटरी की। नॉर्मल अगर हम एक्सीडेंट की बात करें भी, तो आपका जिनॉस 9 से 10% का आपका एक्सीडेंट है, सब कुछ हर चीज़ यार देखो यूज़ पे भी डिपेंड होती है। मेरा 9 से 10% आ रहा है, आपका 12 से 13 है, 11 से 12 है, अराउंड इतना ही होगा, बट स्टिल आपकी यूजेज भी डिपेंड रहती है और जो आपकी करंट बैटरी कैपेसिटी, बैटरी की हेल्थ कैसी है, उस हिसाब से भी डिपेंड होता है। और हाँ जो आपके जिनॉस एपी के जो प्रोफाइल है, जैसे जो भी आप अपने हिसाब से आपको कस्टमाइज़ करना है रखना है तो रख सकते हो। बैलेंस हो गया, परफॉर्मेंस हो, गेमिंग के लिए गेमिंग ही है, क्योंकि इसमें गेमिंग प्लस वाला नहीं मिलता, जैसे आपको NGK मिलता है, सिर्फ गेमिंग मिलेगा। बैटरी परफॉर्मेंस बैलेंस ये सारी चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाती है। और ये जो आपको करंट वर्जन जिनॉस R17, उधर आपको 16.1 शो हो रहा है, बट ऐप में चेक करोगे तो आपको जिनॉस R17 ही शो होगा। और नॉर्मल एक्सीडेंट 9 से 10% का है। नॉर्मल SOT की बात करें, जिनॉस 6 से 7 घंटे का इसमें आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम 7.5 घंटे का अगर आप जो प्रोफाइल सब यूज़ करते हो तो बैटरी वाले, तो मैक्स 7.5 घंटे का इसमें आपको मिल जाएगा। बट स्टिल अभी भी ये बोलूँगा भाई, वन ओवर्स बहुत बेटर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात करूँ, बैटरी की बात करूँ बेटर तो है यार। और एक्टिव वर्ल्ड गेमिंग की बात करूँ तो 28 से 30% का आपका एक्टिवेंट वर्ल्ड गेमिंग विद आपका जिनॉस कंस्टेंटली गेमिंग करते फ्रॉम 20 to 100%, 3 से 3.5 घंटे का इसमें आपको SOT मिल जाएगा। मैक्स टाइम में से इसमें मेरा गया था 46, पीरियड अराउंड 43 to 44 होगा। अब गाइस हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, कोई ऐसा मेजर मुझे एफएस ड्रॉप फेस में, बट हाँ लिटिल माइंड एफएस ड्रॉप मुझे इसमें फेस हुए थे। टच रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो भाई कोई ज़्यादा खास लगा नहीं है, अगेन वही बात, करनल पे सब कुछ डिपेंड नहीं है चीज़ यार, आप रोम को भी थोड़ा लिटिल बिट आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो लिटिल बिट लैग ही मुझे इसमें टच रिस्पॉन्स लगा काइंड ऑफ, सो इतना कोई खास लगा नहीं है इवन जिनॉस ऑल्सो। और एक और चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग बोलती भाई, हीटिंग इशू तो इसमें आपको फेस हो गई, ये सारी चीज़ें ना आपको इतनी वन ओवर्स में नहीं मिलेगी। जैसे टच रिस्पॉन्स आप जिनॉस भी यूज़ कर सकते हो उधर, तो उधर उतना टच रिस्पॉन्स के साथ उतनी इधर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जिनॉस R16.1 EVO यूज़ करते हो या इवन सिल्वर कोर भी यूज़ करते हो, उधर इतनी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। बट फिर इसके साथ जो NGK और जिनॉस वाला कॉम्बो मुझे इतना कोई खास लगा नहीं है, तो बट स्टिल जो गाइस मेरे हिसाब से मैं आपको रिकमेंडेशन देता हूँ कर्नल की, जैसे एक तो आपका सिल्वर कोर हो गया, दूसरा आप जो उनका T1 वाला कर्नल है वो भी आप यूज़ करते हो, T1 वाला कर्नल है वो मुझे इसमें काइंड ठीक लगा, तो ये दो कर्नल मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आपको ये यूज़ करना ही है। अगर आपको जिनॉस के साथ ही जाना है तो जिनॉस का सबसे बड़े अभी तक मुझे लगा है भाई, वो लगा है जिनॉस R16.1 EVO, तो वो अगर आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो लिटिल बिट आपको टच इशू में तो थोड़ा आपको रिलीफ आएगा, और हीटिंग इशू जो मेन है उसमें भी थोड़ा आपको रिलीफ इसमें मिलेगा अगर आप ये दो कर्नल में से, जैसे आपका सिल्वर कोर हो गया या T1 कर्नल हो गया, इवन आपका जिनॉस का R16.1 EVO हो गया। बट भाई अगर आपको लेटेस्ट ही जिनॉस का लेटेस्ट ही यूज़ करना है तो भाई फिर टच एक्सपेक्ट करो, टच इशू तो वो उसके देखो यार, मैं सब में नहीं कह रहा हूँ, अगर आप जिनॉस का लेटेस्ट किसी और रूम के साथ यूज़ कर रहे हो तो क्या पता उधर टच इशू ना हो, है भी नहीं, मैं आप खुद प्रीवियस वीडियो में बने हुए इसमें, उधर आप यूज़ कर सकते हो जिनॉस का लेटेस्ट वाला, बट जो मेरे हिसाब से R16.1 EVO वो ज़्यादा बेटर है, वो अगर आप यूज़ करोगे तो ठीक रहेगा। अगर NGK में भी देखो कोई मेजर आपको एपिस ऑफ फेस में हुआ है, मैंने खुद बोला था हाँ है, बट स्टिल जिनॉस से वो चीज़ फिक्स हो सकती है। कॉन्क्लूजन की बात करते देखो, ऐसा डेटा अगर आपको यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो, बट स्टिल मैं प्रेफर वन वॉस का ही दूंगा, वो ज़्यादा मेरे हिसाब से मुझे सही लगी है, तो अगर वो आपको यूज़ करना है जो मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अगर बात हम इसकी करें तो भाई मैं रिकमेंडेशन ही दूंगा, अगर आपको यूज़ करना है तो या तो आप सिल्वर कोर के साथ जाओ, या जो आपका T1 का कनेल है उसके साथ आप जा सकते हो, और अगर अगर आपको जिनॉस के साथ जाना ही है तो भाई R16.1 EVO ठीक रहेगा। अदर टेम्परेचर मैनेजमेंट की बात करें, वो
ठीक है, एवरेज है। इवन आपका जो रैम मैनेजमेंट है वो भी मुझे इसमें एवरेज लगा, कुछ ज़्यादा मुझे खास नहीं लगा अगर हम रैम मैनेजमेंट की बात करें। और बैटरी की बात करें ठीक है, 9 से 10-11% का आपके रहने, बट कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आप 2 से 3 4 साइकिल भी कंप्लीट कर लोगे तो अराउंड आपको भाई 6 से 7 घंटे का SOP मिलेगा, ज़्यादा 7.5 घंटे का मिलेगा। किसी किसी के लिए वो बहुत है, बट मुझे यार बैटरी तो ज़्यादा अच्छी लगी, काइंड है कि वो यूज़ करूँगा ओके। बट अगेन भाई बस बात जो मैं रिपीट करूँगा, जिनोस के अगर आपको जाना ये रोम ऑप्ट करनी है तो भाई फिर जिनोस का R16.1 EVO ही ऑप्ट करना ज़्यादा ठीक रहेगा। रादर अगेन जो मैंने स्टार्टिंग बोला, मैं तो भाई 1/C प्रेफर करूँगा। अगर आपको कोई भाई मीम यूज़ करनी है जो जिसमें आपको ज़्यादा टच इशू ना हो, हीटिंग इशू ना हो, जो आप और मीम भी अगर एक्सपेक्ट करोगे, मतलब होगा यार, आप रोम के टी प्रो भी ले लो, इवन 8 के बिल्ड्स में ऐसा चीज़ आपको फेस होएगी। बट जो 1/1 वाला सीन है उधर ये चीज़ें बहुत कम है, बट बहुत कम है। हर रोम में आपको गेम में लैग तो फेस होगा ही, चाहे कोई भी फ़ोन ले लो, इवन आप आईफोन भी अगर मैं डिवाइस की बात करूँ होगा यार, ऐसा कोई फ़ोन बनाए नहीं जिसमें भाई टोटली आपको लैग फेस हो ही ना। बट स्टिल अगर हम F1 की बात करें तो मेरे हिसाब से मैं तो भाई 1/1 प्रेफर करूँगा, रादर आपकी चॉइस है। सो गाइस अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक विल बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। नेक्स्ट वीडियो में बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।